हमारे प्रभारी और डिप्टी सीएम रहे पंजाब के सुरजिंदर सिंह जी रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दत्तात्रेय जी, आपकी प्रभारी मंत्री ममता भूपेश जी, हमारे परिवहन मंत्री विजय वल्लभ जी, मुख्यमंत्री के सलाहकार और आपके लोकप्रिय विधायक डॉक्टर जितेन सिंह जी, और ये भी हमारे सलाहकार ही है राजकुमार शर्मा, आपके लोकप्रिय विधायक नीता चौधरी जी, ये भी चंदेलिया जी, सुरेश मोदी जी, श्रवण कुमार जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक एमडी चोपड़ा, किशन लाल जी जेदिया, रमेश खंडेलवाल, श्रीमती गीता सैनी, गोकुल जी सैनी, श्रीमती सुमिता सैनी जी, रघुवीर सिंह राठौर, लेफ्टिनेंट जनरल कटेवा जी, सज्जन जी मिश्रा, दिनेश सूडा जी, नवरंग सिंह जी, आदरणीय हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता है जैसे लाल जी ब्लॉक अध्यक्ष, फूल सिंह वाला जी, विनोद पुनिया जी और तमाम उपस्थित मेरे माता और बहनों और नौजवान साथियों बुजुर्गों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज खेतड़ी में हम सब इकट्ठे हुए। खेतड़ी का एक शानदार इतिहास है, जो खेतड़ी का नाम इस रूप में दर्ज है देश के अंदर, जब जब नाम मोतीलाल नेहरू का आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का आता है, देश की आज़ादी जंग के लिए किस प्रकार इलाहाबाद भवन, स्वराज भवन देश को दे दिया उन्होंने, और जैसे नाम आता है स्वामी विवेकानंद का, तो लोगों को खेतड़ी की याद आती है। खेतड़ी का अपना एक और आ रहा है, इस तरह बचपन में मोतीलाल नेहरू अपने भाई के साथ दीवान थे खेतड़ी के, नंदलाल जी 10 साल तक दीवान रहे वो खेतड़ी में, यहाँ के महाराजा के अजीत सिंह जी को गद्दी उन्होंने सुपुर्द करवाई थी, और बाल्यकाल में ही मोतीलाल नेहरू यहाँ आ गए थे, उनकी शिक्षा दीक्षा भी यही हुई बचपन के अंदर, बड़ा नाम पैदा किया देश के अंदर उन्होंने। और खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी ने जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद को शिकागो के अंदर भेजा था विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर, आज पूरा देश गाता गाता है स्वामी विवेकानंद का, क्या उन्होंने वहाँ भाषण दिया शिकागो के अंदर, किस प्रकार हिंदुस्तान के संस्कार संस्कृति परंपराओं का व्याख्यान किया वहाँ पर, पूरा देश के दुनिया के लोग आए हुए थे वहाँ पर, क्योंकि वो विश्व का धर्म सम्मेलन था, पूरी दुनिया के मुल्कों के लोग आए, धर्मगुरु आए वहाँ पर, उसके अंदर एक नौजवान स्वामी विवेकानंद जिस प्रकार से उन्होंने अपना प्रवचन दिया वो दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गया। अजीत सिंह जी उनको नहीं भेजते वहाँ शिकागो के अंदर, स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद नहीं मानते, इसलिए हमें खुशी है कि खेतड़ी का रिश्ता एक तरफ तो स्वामी विवेकानंद के साथ में, दूसरा नेहरू खानदान के साथ जुड़ा हुआ है, तो मुझे खुशी है कि धरती पर बाबेर के अंदर आज ये मीटिंग हो रही है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने की बातें कही इस मौके पर, क्योंकि जिस प्रकार भेजा गया विवेकानंद को स्वामी जी को शिकागो के अंदर, और मैं कई जगह कहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर को भी बड़ौदा के महाराजा ने भेजा था उनको पढ़ने के लिए बाल्यकाल के अंदर, अगर नहीं भेजते तो वो बाबा साहब अंबेडकर नहीं कहलाते, संविधान के निर्माता नहीं कहलाते। उसी प्रकार से अगर स्वामी विवेकानंद नहीं जाते और यहाँ नहीं भेजे जाते यहाँ पर यहाँ के महाराजा द्वारा, तो स्वामी विवेकानंद बन के आते। आज हमने प्रयास किया 500 बच्चों को प्रतिवर्ष हम लोग भेज रहे विदेश के अंदर पढ़ने के लिए, 500 बच्चों को, 500 बच्चे छात्र जीवन में जा रहे हैं,
सरकार खर्चा दे रही है उनको, पढ़ाई का, रहने का, आने जाने का किराया दे रही है। क्यों दे रही है? इसलिए कि राजस्थान के चौमुखी विकास हम कर रहे हैं। अभी पानी की स्कीम बन रही है। अब आपके तो जितने दिन पानी के खुद मंत्री थे, 955 करोड़ रुपये उस जमाने के, आप कल्पना कीजिए, अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंत्री नहीं होता पानी के महकमे का, तो आप बताइए कि क्या उस वक्त संभव था क्या कि लक्ष्मणगढ़ के अंदर सीकर में और आपके खेतरी तक पानी आ जाता। पानी इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ पर है? इंदिरा गांधी कैनाल का पानी हम जानते, जोधपुरवासी, मैं जोधपुर का हूँ, मुझे मालूम है कि राजीव गांधी ने किस प्रकार अनाउंसमेंट किया था जोधपुर के अंदर, लिफ्ट कैनाल बन गई, आज आराम हो गया जोधपुर वालों को पीने के पानी मिले। उसी प्रकार से पीने के पानी का आराम होना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जो जितेंद्र सिंह जी की कहानी संभव हुई थी। मैं उस पर मुख्यमंत्री था, मैंने इनको मना नहीं किया, जो इन्होंने स्कीम मनाई वो मैंने मंजूर करवा दी। कहना मतलब कि जितेंद्र सिंह जी या मैंने कहा विदेश में पढ़ने भेजने क्यों भेज रहे हैं, ये छात्र बाहर जाके पढ़ के आएंगे, हो सकता है उसमें कोई अम्बेडकर जी से बन जाए, कोई साइंटिस्ट बन के आए, कोई टेक्नोक्रेट बने, कोई और कोई किसी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बन जाए आईटी के अंदर, जिसकी आज जरूरत है पूरे देश को। आईटी पे गवर्नेंस हो रही है हमारी, आप देखिए 80,000 ई मित्र लगे हुए हैं, ये आईटी बेस है। 600 तरह की सेवाएं वो दे रहे हैं आपको, ये आईटी बेस है। सारे टिकट का मामला, अभी मैंने 500 रुपये में जो दे रहे सिलेंडर, अभी 5-7 दिन पहले मैंने 14 लाख महिलाओं को जो सब्सिडी भेजी, मैंने उनको 500 रुपये में सिलेंडर मिले। बाकी पैसा जो उन्होंने जमा करवाया है उसमें डीबीटी कर दी। एक बटन दबाया मैं जयपुर से, एक बटन दबाया, 2.5-3 मिनट के अंदर 16 लाख महिलाओं के खाते में पानी पैसा पहुंच गया। इसको कहते हैं आईटी बेस कहते हैं। क्या सोच सकते हो, इस प्रकार से ये 500 बच्चे गए हैं, हर साल जाएंगे, पता नहीं इसमें कौन क्या बन के आएगा। वो उसका गर्व हो गया, राजस्थान का बच्चा नौजवान बन करके देश की सेवा कर रहा है। क्या वो कहीं जाएगा, किसी फील्ड में जाएगा, पर नाम राजस्थान का ऊपर करेगा, इस बात का गर्व हम सबको होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, अभी महंगे रास्ते में चल रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग चल रहे हैं, करीब 1.5 करोड़ परिवार जुड़ चुके हैं इसके अंदर, 6.5 करोड़ कार्ड, गारंटी कार्ड बढ़ चुके हैं। आप सोच सकते हैं किस प्रकार से लोगों को राहत मिलेगी, जो बताया गया आपको, चाहे 25 लाख का बीमा हो, 100 यूनिट बिजली का हो, शहरों में नरेगा हो, गांव में 125 दिन का नरेगा कर दिया हम लोगों ने, खाद्य सामग्री के किट अलग दे रहे हैं। हर स्कीम को सोच समझ के बनाया गया, हर स्कीम को। इसलिए मैंने कहा कि आप जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, आपके लंबे अरसे सेवा कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र जी, मेरे साथ मंत्री रहे, पानी के भी, बिजली के भी, उच्च शिक्षा के भी, जहाँ भी रहे इन्होंने अपना नाम कमाया, किसी के नाम ऊँचा ही किया। मुझे याद है कर्नल बेसला जी, अब तो वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, डेथ हो गई, जितने आंदोलन किए उन्होंने उस जमाने के अंदर, चाहे पटरियों में बैठे हों, चाहे 5 डैम के नीचे बैठे हों, कहीं बैठे हों, हमने जितेंद्र सिंह जी को बुला करके उनके कैंपों में भेजा, जहाँ आंदोलनकारी बैठे थे वहाँ भेजा, और हर बार हमने सफलता प्राप्त करी है, शांति, प्रेम, भाईचारा से
समझौता करके, कहाँ तो बीजेपी राज में फायरिंग होकर के बहुतर गुर्जर मारे गए थे, बहुतर गुर्जर मारे गए थे। किसे कहते हैं बहुत गुर्जर मरना? हमारे राज में मरने की बात छोड़ो, फायरिंग की बात छोड़ो, हमने लाठीचार्ज तक नहीं किया, लाठीचार्ज तक नहीं किया था उस जमाने जान पर। इस प्रकार से हमारी अप्रोच वही है, बड़ी भागीदारी निभाई, डॉक्टर ने निभाई, डॉक्टर ने निभाई, हिम्मत करके गए वहाँ पर। कई बार गुस्से भी होते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा ऐसा नुमाइंदा दो आदमी भला आदमी है, ईमानदार है, निष्ठावान है, समर्पित है कांग्रेस के लिए, दिल का साफ आदमी है, ऐसे आदमी को आपका आशीर्वाद मिलता रहे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि खेतरी के बाकी काम भी होंगे। आप निश्चित रहो, कोई काम का मैं इनको मना नहीं करूँगा, ये मैं वादा करना चाहता हूँ आपसे। पहले भी हमने नहीं किया, हमने कह दिया एमएलएस को, तुम लोग धन्यवाद धन्यवाद बैठो बैठो। मैंने कहा जो जनता मांगती है आपसे, कॉलेज ये सब हमारे एमएलए साहब बैठे हैं, ये सब मेरी गवाह है, मैंने किसी को मना नहीं किया। राजस्थान के अंदर जो मुझसे मांगा, कॉलेज मांगा हो, अस्पताल मांगा हो, सीएससी पीएससी सब सेंटर, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मांगी हो, प्राइमरी मांगी हो, सड़कें मांगी हो, तहसील उप तहसील, जो कहा मैंने सब मांगे। जो मैंने कहा तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये मैंने कहा था। तो मुझे क्या पता था कि ये दोताशाही और फिर मोदी जी, इन्होंने संभाग मांग लिया दोताशाह ने, फिर मोदी ने नीम का थाना जिला मांग लिया, उनको मैंने मना नहीं किया, बना दिया मैंने। तो आप सोच सकते हो मैंने मेरा वादा पूरा निभाया, तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। चल जिला देना पड़ा मुझे, संभाग देना पड़ा, वो भी दिया। तो हम कहते हैं वो करते हैं, हमारी कहने करने में अंतर नहीं है। बीजेपी की अभी सरदार साहब बता रहे थे आपको, अध्यक्ष जी ने बताया, वो बात झूठे बातें करते हैं, उनके चाल चरित्र चेहरा जो पहले बहुत गर्व करते थे उसके ऊपर अब चौपट हो गया, सबके सामने आ चुका देश के लिए, कितने भयंकर करप्शन हो रहा देश के अंदर, कहाँ चाल रही है सबको मालूम है। राजस्थान में ये विपक्ष आक्रोश रैली निकाली इन्होंने, अरे आक्रोश रैली आक्रोश किस बात का हो? राजस्थान के लोग बहुत ही अभी महसूस करते हैं महंगाई के ज़माने में इससे बड़ा काम सरकार कर नहीं सकती। पानी की योजनाएं अभी आपका 955 दिए डॉक्टर साहब ने, अभी करीब 350 की योजना और चल रही है करोड़ की, जेजेएम की जल जीवन मिशन, घर घर नल पहुंचेगा आपके, 45% सरकार दे रही है भारत सरकार, 55 हम दे रहे हैं, क्योंकि 45 हम भी देने वाले थे, पर स्कीम में 10% रख दिया गाँव वालों इकट्ठा करो पैसा। अरे मैंने कहा क्या गाँव वालों से इकट्ठा करें, पहली महंगाई के मार से जूझ रहे हैं वो लोग, 10% पैसा जो गाँव वालों से इकट्ठा करना था, मैंने घोषणा करी बजट के अंदर, वो पैसा मैं दूंगा, गाँव वालों से हम नहीं लेंगे पैसा, इस प्रकार मैंने कहा। बाकी तो आपके यहाँ 400 KV का स्टेशन की बात है, वो भी काम करीब करीब पूरा हो गया है, अभी लोकार्पण होगा उसका। रिको का जो है बताइए, रिको का 150 हेक्टेयर जमीन लगभग वो अलॉटमेंट हो गया आपके यहाँ, पूरा रिको का इंडस्ट्री एरिया बनना बड़ी बात है। खेतरी में जो तांबा की फैक्ट्री है उसके बाद में बड़ी फैक्ट्री कोई आई नहीं है, अब रिको का क्षेत्र बन रहा है आपके यहाँ, अभी तो 150 हेक्टेयर जमीन ली गई है, फर्स्ट फेज में 46 हेक्टेयर में 184 प्लॉट काटे जाएंगे, करीब 50 करोड़ में खर्च करेंगे।
वहाँ अब जो आकर के अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने MSME कानून बना दिया है। राजस्थान पहला राज्य देश के अंदर MSME कानून बन गया, और छोटी छोटी कह लगाओ 5 साल तक आपको सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई परमिशन की जरूरत नहीं किस काम की, ना बिजली ना पानी ना लैंड कन्वर्जन की। इस प्रकार कानून हमने बनाया SMD के अंदर, आराम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पूरी योजना जो है वो करीब 150-200 करोड़ की होगी, और करीब 600 प्लॉट उस पर काटे जाएंगे इंडस्ट्री के लिए। 600 प्लॉट खेतरी में बाबेल में काटे जाना बड़ी बात है। इस प्रकार यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। हम लोग करीब 3 लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं, 1.5 लाख तो दे दी गई है, 1.5 लाख का काम चल रहा है, इंटरव्यू चल रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं। तो कोई काम, पानी हो चाहे बिजली हो, कॉलेज हो, खोलने की बात हो, रिकॉर्ड बन गया। 300 कॉलेज खोल दिए हम लोगों ने, 70 साल में खोली 250, हमने 5 साल में खोली 300 कॉलेज खोल दिए। इस प्रकार से हमें सिस्टम जोड़ दे रहे हम लोग, विश्वविद्यालय खोले राजस्थान के अंदर, बिजली की बड़ी बड़ी योजनाएँ आ रही है, सोलर बेस आ रही है, विंड आ गई है, हवा से बिजली बन रही है हमारे यहाँ 4,500 मेगावाट। कोयले की कुछ कमी आती है तो कभी कभी तकलीफ भी आती है, मुझे मालूम है। इस प्रकार से पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य हम नंबर 1 है देश के अंदर। राइट टू हेल्थ हमने एक्ट बना दिया है, आप सोच सकते हैं एक्ट बना करके जो मदद की जा रही है आपकी, ये हिंदुस्तान में कहीं पे नहीं है, सिर्फ राजस्थान में ही है। 25 लाख का बीमा, और साथ में मैंने आपको कहा इस प्रकार से जो मैंने कहा कि एक्ट बनाया कानून, मतलब आप सबकी सवाल की जिम्मेवारी सरकार की रहेगी। अब इस प्रकार से हमने जो मांगा हमने काम किया। आप यहाँ भी अभी मैं शिलान्यास भी होगा राजकीय कन्या महाविद्यालय बबई खेतरी, वहाँ पर उप तहसील बबई, पुलिस थाना बबई, और 400 KVA का GSS, मैंने कहा आपको 167 करोड़ की लागत से बन गया, लोकार्पण होने जा रहा, भी रिको का केंद्र बन ही रहा है। तो जो मांगा गया मैंने दिया नहीं है। आगे भी मैं कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहब जिस रूप में मेरे साथ काम किया, मैंने बहुत नज़दीक से देखा इनको काम करते हुए, इसलिए मैंने कहा ये रिको का जो इंडस्ट्री एरिया डेवलप करवा रहे हैं, इनके मेहनत का परिणाम है। आज यहाँ पर आने वाले वक्त में हजारों बच्चों को काम मिलेगा, इंडस्ट्री लगेगी, काम धंधे मिलेगा, कोई सोच नहीं सकता। इतना बड़ा एरिया कवर होगा, इसलिए मैंने कहा आपको कि चुनाव भी आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि चुनाव में जो है आप लोग कांग्रेस को अगर वापस कामयाब करते हैं, क्योंकि माई बाप तो आप ही हो, हम कितने ही काम कर लें भले ही, पर दिल्ली से लोग आते हैं गुमराह करते लोगों को। हम चाहते हैं कि 5 साल अगर मैंने काम किया हमने अगर, और आप लोग सब खुश हो, तो आपको सरकार रिपीट करनी चाहिए वापस। बार बार बदलते हैं, बार बार बदल देते सरकार को तो सारे काम रुक जाते हैं। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे पास बड़ी लिस्ट है अभी। रिफाइनरी रोक दी इन्होंने, 5 साल रोक दी। आप कल्पना कीजिए, 38,000 की रिफाइनरी थी, बाढ़ में तेल निकल गया था, 5 साल बर्बाद कर दिए इन्होंने सरकार बदल के। इसलिए वसुंधरा की सरकार आ गई, मोदी जी आ गए, आज 38,000 करोड़ की रिफाइनरी अब हो गई है, 72,000 करोड़ की हो गई है। आप तो समझदार लोग बैठे हुए हो, आप बताइए, आप 34,000 करोड़ एक्स्ट्रा लगेंगे, खर्च होंगे, अगर टाइम पे रिफाइनरी बना देते और प्रोडक्शन शुरू हो जाता उसका। इस प्रकार मैं कहना चाहूँगा, इनकी नकारात्मक सोच जाती है, नेगेटिव सोचते हैं लोग, हमारे सब काम बंद कर देते। हम कोई काम बंद नहीं करते हैं, ERCP की योजना इनकी बनाई हुई है, वसुंधरा के वक्त की है, हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तेरा जिले की योजना है वो पीने के पानी की, तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि ये आप इन पर विश्वास मत कीजिए।
आप देखिए आपके यहाँ काम हुआ नहीं हुआ है, अगर हुआ है पानी का भी सड़कों का भी, सड़कें 1,00,000 किलोमीटर राजस्थान बन रही है, 1,00,000 किलोमीटर किसे कहते हैं, 56,000 किलोमीटर बन चुकी है, 56,000 किलोमीटर बन चुकी है, बाकी की बन रही है। इसलिए मैं आपको इतने आह्वान करना चाहूँगा, काम की कोई कमी नहीं है, 1 करोड़ लोगों को हम पेंशन दे रहे हैं, बुजुर्गों को, महिलाओं को, पुरुषों को, कि जो 1,000 कि 1,500 रुपये दे रहे हैं जब उम्र वाले हैं तो, और अभी जो 500 पेंशन थी जिनके 750 थी निःसर्जनों के कम उम्र के बुजुर्गों को, उनको मैंने 1,000 रुपये कर दिए, कम से कम 1,000 सबको मिलेगा ही मिलेगा ये हमने कर दिया है, और 15% हर साल बढ़ेगी 15% बिना कोई कोरोना के। सोशल सिक्योरिटी का मजबूती से हम पक्ष रख रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं आप भी सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाओ, जैसा मनमोहन सिंह जी ने सोनिया गांधी ने बनाए थे 4 कानून, खाद्य सामग्री का, RTI राइट टू एजुकेशन का, नरेगा का, वैसा कानून बने तमाम परिवार हिंदुस्तान भर के जो गरीब है या जिनको जरूरत है उन सबको घर चलाने के लिए फिक्स रकम मिले, तब जाकर मैं समझता हूँ कि न्याय होगा, ये हमारी सोच है। मैं आपको ये आह्वान करूँगा, अगली सरकार, मैं जाता हूँ हर जिले के अंदर, करीब 25 जिले में जाके आ चुका हूँ मैं, मुझे लगता है कि जहाँ जा रहे हैं इतना उत्साह लोगों के अंदर है, जनता भाई बाप है, फैसला उनको करना है, मुझे महसूस होता है कि इस बार सरकार आपका आशीर्वाद वहाँ पर मिलेगा, सरकार रिपीट होगी, और हम लोग जो है अभी जो काम करके दिखाया उसे और ज़्यादा मजबूती से इसके में लेके आएंगे आपके सामने, जन कल्याणकारी हो, चौमुखी विकास हो, क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, सभी सेक्टर हो, कोई सेक्टर हो, हम छोड़ेंगे नहीं। देश में राजस्थान बहुत आगे बढ़ रहा है अभी भी, अभी हम आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक विकास दर जो है उसमें राजस्थान देश में नंबर 2 आ गया है, अभी भारत सरकार के आंकड़े आए थे, पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है 11.04%, दूसरे पे राजस्थान है 11.04%, आंध्र है 11.4%, इतना ही फर्क है। इसलिए ये स्पीड बने रखे, हम आगे भी इसीलिए बड़ी बड़ी स्कीम लेके आ रहे हैं, कर्मचारियों को भला कर दिया, OPS दे दी उनको, वो भी खुश है इस बार तो, और मैं उम्मीद करता हूँ सब मिलकर के RGSS की स्कीम मैंने लागू कर दी, हेल्थ की उनके लिए भी, कर्मचारियों के लिए भी, हम सब मिलकर अगर आप तय कर लोगे तो जिस प्रकार लोगों को भड़काया जा रहा है, धन की कमी नहीं BJP के पास में, मोदी जी हो चाहे वो अमित शाह जी हो, सब आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे। मैं अपनी मार्मिक अपील करना चाहूँगा आप सबसे, आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों से, इस बार आप जहाँ से भी नहीं आए आप सरकार को रिपीट करें, मैं आपसे वादा करता हूँ कि कोई कमी नहीं आएगी, आने वाली सरकार मजबूती से काम करेगी। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। एक बार जोर।